चक्रवाती तूफान दाना के असर से उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। रविवार को राज्य के कई जिलों में रिमझिम बारिश हुई और सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। विशेषकर यूपी के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे मौसम में ठंडक का एहसास होगा। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया कि 28 अक्टूबर सोमवार को यूपी के 9 जिलों प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा रहेगा। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तूफान दाना के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान पश्चिमी यूपी में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। इसके अलावा बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 19.5 डिग्री सेल्सियस और आगरा में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान हमीरपुर में 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धनतेरस जो 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, पर भी मौसम का मिजाज थोड़ा अनिश्चित दिखाई दे रहा है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में खरीदारी की योजना बनाने वालों को मौसम का ध्यान रखते हुए चलना होगा। प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना का असर अगले 24 घंटों तक यूपी में रहेगा। उसके बाद मौसम सामान्य होने का अनुमान है। नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। इस मौसम में अचानक बदलाव के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। किसान अपनी फसलों की देखभाल करते हुए मौसम के अनुसार तैयारियों में जुट गए हैं। यदि बारिश जारी रहती है तो खेतों में फसलों के लिए यह लाभकारी हो सकता है, लेकिन अधिक पानी भी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण उत्तर प्रदेश के मौसम में हो रहे बदलावों का ध्यान रखना जरूरी है। इससे मौसम की स्थिति में बदलाव आ रहा है। सभी को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की रिपोर्ट पर ध्यान दें और अपनी योजनाओं के अनुसार तैयारियां करें।